हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं मेढक में नियंत्रण और समन्वयन के बारे में, कैसे मेढक में नियंत्रण और समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन सिस्टम के बारे में आइए समझते हैं मेढक में। पिछले वीडियो में हमने परिसंचरण तंत्र के बारे में बताया था मेढक के, आइए इसमें देखते हैं। नियंत्रण व समन्वयन तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है, ठीक है। तो जो भी कोऑर्डिनेशन सिस्टम है मेढक में वह पूर्ण रूप से कंप्लीट रूप से विकसित होता है मेढक में। नियंत्रण व समन्वयन तंत्र मेढक में पूर्ण विकसित होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं, ठीक है। तो मेढक में एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी पाए जाते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां भी पाई जाती हैं और नर्वस सिस्टम भी पाया जाता है, तंत्रिका तंत्र भी पाया जाता है। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वयन कुछ रसायनों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं, ठीक है। विभिन्न अंगों में आपसी कोऑर्डिनेशन जो है, आपसी समन्वयन जो है, वह कुछ रसायनों के द्वारा होता है, केमिकल्स के द्वारा होता है। इन केमिकल को हार्मोन कहा जाता है। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। ये जो हार्मोन्स हैं वे अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां, ठीक है, मेढक में जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वे कौन कौन हैं? पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी, अवटु ग्रंथि थायराइड, परावटु ग्रंथि अर्थात पैराथायराइड, थाइमस, पीनियल काय पीनियल बॉडी जिसे कहा जाता है, अग्नाशयी दीपिकाएं, अधिवृक्क जिसे एड्रेनल कहते हैं, जनद गोनैड्स, ठीक है। ये जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं मेढक में मुख्य रूप से, जिसमें आपने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पीनियल बॉडी, ठीक है, पैंक्रियाजिक पैंक्रियास, पैंक्रियाटिक जो है पैंक्रियाटिक आइसलेट्स, पैंक्रासी दीपिकाएं और एड्रेनल ग्लैंड्स गोनैड्स, यह सब जो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स मेढक में पाए जाते हैं। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है, ठीक है। तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, परिधि तंत्रिका तंत्र में कपाली और मेरु तंत्र, और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, अनुकंपी और परानुकंपी सिंपथेटिक पैरासिंपथेटिक तंत्र का बना होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मेढक में नियंत्रण और समन्वयन तंत्र जो है वह पूर्ण रूप से विकसित होता है। इनमें अंतःस्रावी ग्रंथियां व तंत्रिका तंत्र दोनों पाए जाते हैं। विभिन्न अंगों में आपसी समन्वयन कुछ रसायनों द्वारा होता है जिन्हें हार्मोन कहते हैं। ये अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित होते हैं। मेढक में जो मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं वे पीयूष ग्रंथि, अवटु ग्रंथि, परावटु ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि, पीनियल काय, अग्नाशयी दीपिकाएं, अधिवृक्क जनद होती हैं। तंत्रिका तंत्र में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु होता है, परिधि तंत्रिका तंत्र में कपाली और मेरु तंत्र हैं, स्वायत्त तंत्रिका तंत्र जो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में अनुकंपी और परानुकंपी है, ठीक है। मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। मेढक के मस्तिष्क से 10 जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं निकलती हैं। मस्तिष्क हड्डियों से निर्मित मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है, ठीक है। मेढक में जो मस्तिष्क होता है, ब्रेन जो होता है, वह हड्डियों से बने हुए मस्तिष्क बॉक्स अथवा कपाल के अंदर बंद रहता है। मस्तिष्क जो है वह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क में विभाजित होता है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में घ्राण पालियां, जुड़वा युग्मित प्रमस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च होते हैं, ठीक है। अग्र मस्तिष्क में क्या क्या होता है? तो अग्र मस्तिष्क में घ्राण पालियां, जुड़वा युग्मित प्रमस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पश्च अर्थात डाइसेंफलॉन होते हैं। मध्य मस्तिष्क में एक जोड़ा दृक् पालियों का बना होता है। पश्च मस्तिष्क जो है अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लॉन्गेटा का बना होता है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि मेढक का मस्तिष्क जो है वह अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है।
अग्र मस्तिष्क में घ्राण पालियां जुड़वा युग्मित, प्रमस्तिष्क गोलार्ध और केवल एक अग्र मस्तिष्क पद से होते हैं, जबकि मध्य मस्तिष्क में एक जोड़ा दृप पालियों का बना होता है। पश्च मस्तिष्क जो है अनुमस्तिष्क और मेडुला ऑब्लांगेटा का बना होता है। ठीक है, मेडुला ऑब्लांगेटा महारंध्र से निकलकर, मेडुला ऑब्लांगेटा जो है वह महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। मेडुला ऑब्लांगेटा जो है महारंध्र से निकलकर मेरुदंड में स्थित मेरुरज्जु से जुड़ा रहता है। ठीक है, मेढक में भिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, मेढक में भिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि स्पर्शक अंग, स्वाद अंग, गंध, दृष्टि और श्रवण। मेढक में विभिन्न प्रकार के संवेदी अंग पाए जाते हैं, जैसे कि स्पर्श अंग संवेदी पिप्पल होते हैं, स्वाद अंग में स्वाद कलिकाएं होती हैं, गंध में नासिका उपकला होता है, दृष्टि में नेत्र होते हैं, श्रवण के लिए कर्णपट और आंतरिक कर्ण होते हैं। इन सब में आंखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। ठीक है, जो भी आपके संवेदी अंग बताए गए, इन अंगों में आंखें और आंतरिक कर्ण सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। ठीक है, तो आंखें और आंतरिक कर्ण जो हैं वह सुव्यवस्थित होते हैं और बचे हुए दूसरे संवेदी अंग केवल तंत्रिका सिरों पर कोशिकाओं के गुच्छे होते हैं। मेढक में एक जोड़ी गोलाकार नेत्र गड्ढों में स्थित होता है। ठीक है, मेढक में एक जोड़ी गोलाकार जो है नेत्र होता है जो गड्ढे में स्थित होता है। ये साधारण नेत्र होते हैं, मेढक में जो नेत्र होता है वो कैसा होता है, साधारण नेत्र होता है। मेढक में बाह्य कर्ण, ठीक है, मेढक में बाह्य कर्ण उपस्थित होता है। ठीक है, मेढक में बाह्य कर्ण उपस्थित होता है, केवल कर्णपट ही बाहर से दिखाई देता है। ठीक है, तो मेढक में बाह्य कर्ण उपस्थित है और केवल कर्णपट ही बाहर से दिखाई देता है। कर्ण एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का भी कार्य करता है। ठीक है, कर्ण जो है वह एक ऐसा अंग है जो सुनने के साथ साथ संतुलन का काम भी करता है। ठीक है, अब देखते हैं मेढक में जनन तंत्र के बारे में। मेढक में मादा व नर जनन तंत्र अलग अलग और पूर्ण सुव्यवस्थित होता है। मेढक में मादा और नर जनन तंत्र जो है वे अलग अलग हैं और पूर्ण सुव्यवस्थित होते हैं। नर जननांग में एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वरण मेजोक्रियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। ठीक है, नर जननांग मेढक में एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होता है जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वरण, ठीक है, पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेजोक्रियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्रवाहिकाएं संख्या में 10 से 12 होती हैं जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के वृक्क में धस जाती हैं। वृक्क में एविडर नाल में खुलती हैं जो अंत में मूत्र वाहिनी में खुलती है। ठीक है, अब मूत्र वाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है। मूत्र वाहिनी जो है मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है जो वृक्क के बाहर आकर अवस्कर में खुलती है। अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। ठीक है, यह सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं, जिनका फिगर आप देख सकते हैं। यह नर जनन तंत्र का फिगर है जिसमें आप देख रहे हैं कि एक जोड़ा पीले अंडाकार वृषण है। ठीक है, एक जोड़ा जो है यहाँ पे पीला अंडाकार वृषण होता है। यह वसा शरीर है देख रहे हैं आप, इसके बाद यह किडनी है, वृक्क है। ठीक है, वृक्क है, यह अधिवृक्क है, इसके ऊपर अधिवृक्क ग्रंथि है। यह देखें जनन वाहिनी, जनन मूत्र वाहिनी है यह, और यह मलाशय है आपका,
यह मूत्राशय है, यह अवस्कर द्वार है, यह अवस्कर है और यह अवस्कर द्वार है। तो यह सारे स्ट्रक्चर जो है नर जनन तंत्र में पाए जाते हैं, जिसमें आपने देखा कि एक जोड़ी पीले अंडाकार आकार के वृषण होते हैं जो ब्रिक के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम दोहरी वलय मेजोकार्पियम नामक झिल्ली पर चिपके रहते हैं। ठीक है, तो यह आपका नर जनन तंत्र हो गया। मादा जनन तंत्र अगर देखा जाए तो मेढक का मादा जनन तंत्र में आप देख सकते हैं अंडवाहिनी होती है। ठीक है, यह आपका अंडाशय है, अंडाशय यह आपकी अंडवाहिनी है, यह आपकी मूत्रवाहिनी है। ठीक है, अवस्कर है, अवस्कर द्वार है और यह आपका मूत्राशय है। ठीक है, तो यह स्ट्रक्चर्स जो है मादा जनन तंत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मेढक में मादा और नर जनन तंत्र जो है अलग अलग और पूर्ण सुव्यवस्थित होता है। नर जननांग एक जोड़ी पीले अंडाकार वृषण होते हैं जो वृक्क के ऊपरी भाग से पेरिटोनियम के दोहरी वलय मेजोकार्पियम, ठीक है, मेजोक्रियम नामक झिल्ली द्वारा चिपके रहते हैं। शुक्रवाहिका संख्या में 10 से 12 होती हैं। ठीक है, मेढक में, नर मेढक में शुक्रवाहिका जो है उसकी संख्या कितनी होती है? 10 से 12 होती है, जो वृषण से निकलने के बाद अपनी ओर के ब्रिक में धंस जाती है। ब्रिक में ए विडर नाल में खुलती है, ब्रिक में ए विडर नाल में खुलती हैं जो अंत में मूत्रवाहिनी में खुलती हैं। ठीक है, अब जो है मूत्रवाहिनी मूत्र जनन वाहिनी कहलाती है जो ब्रिक से बाहर आकर अवस्कर में खुलता है। अवस्कर क्या होता है? अवस्कर एक छोटा मध्य कक्ष होता है जो कि उत्सर्जी पदार्थ मूत्र तथा शुक्राणुओं को बाहर भेजने का कार्य करता है। ठीक है, अब देखते हैं मादा जनन तंत्र के बारे में। मादा में ब्रिक के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होता है, जैसा कि फिगर में आपने देखा यह अंडाशय है, दोनों ओर होता है एक जोड़ी। ठीक है, तो मादा में ब्रिक के पास एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होते हैं, लेकिन इनका ब्रिक से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। ठीक है, अंडाशय का ब्रिक से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। ठीक है, एक जोड़ी अंडवाहिनियां आप देख रहे हैं, यह अंडवाहिनी है जो अवस्कर में जाकर खुलती है। ठीक है, तो एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से 3000 अंडे दे सकती है। ठीक है, एक परिपक्व मादा जो है वह एक बार में 2500 से लेकर 3000 अंडे दे सकती है। इनमें बाह्य निषेचन पानी में होता है, मेढक में बाह्य निषेचन पानी में होता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है, लार्वा टेडपोल कहलाता है। ठीक है, तो लार्वा जो है टेडपोल कहलाता है। भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है, इसमें बाह्य निषेचन पानी में होता है। ठीक है, मेढक जो है मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है, यह तो आप जानते ही हैं। मेढक मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है, यह कीटों को खाता है और इस तरह फसल की रक्षा करता है। ठीक है, मेढक जो है वातावरण संतुलन बनाए रखते हैं क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण भोजन श्रृंखला की एक कड़ी होते हैं। कुछ देशों में मांसल पाद जो है मनुष्यों द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो कुछ देशों में मेढक का जो मांसल पाद होता है वह मनुष्य के द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि मादा में ब्रिक के पास जो है एक जोड़ी अंडाशय उपस्थित होता है, लेकिन इनका ब्रिक से कोई क्रियात्मक संबंध नहीं होता है। एक जोड़ी अंडवाहिनियां अवस्कर में अलग अलग खुलती हैं। एक परिपक्व मादा एक बार में 2500 से लेकर 3000 अंडे दे सकती है। इनमें निषेचन बाह्य निषेचन पानी में होता है। ठीक है, भ्रूण परिवर्धन लार्वा के माध्यम से होता है, लार्वा टेडपोल कहलाता है। मेढक जो है मनुष्य के लिए लाभदायक प्राणी है, यह कीटों को खाता है और इस तरह से फसल की रक्षा करता है। ठीक है, मेढक वातावरण संतुलन बनाए रखता है क्योंकि यह पारिस्थितिक तंत्र की एक महत्वपूर्ण
भोजन श्रृंखला की एक कड़ी है। कुछ देशों में मांसल पाद जो हैं मनुष्य के द्वारा भोजन के रूप में इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था मेंढक के बारे में, एनाटॉमी के बारे में आपने देखा। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।